वायरल हिट एपिसोड 38 में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था 244 की स्टूडियो ने रूमी को बहका कर अपने स्टूडियो में फोटोशूट करने के लिए मना लिया था और 244 रूमी के साथ बहुत ही अच्छे से बिहेव करने लगता है। दूसरी तरफ बांगुक को 244 के बारे में पता चल जाता है। अब आगे एपिसोड के शुरू में हम दोनों को आमने सामने देखते हैं। बांगुक कहता है, तो रूमी से तुम दूर रहना नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये सुन के 244 बहुत बहुत ज्यादा हैरान हो चुका है। बांगुक कंटिन्यू करता है और कहता है, पहले मुझे बहुत ज्यादा शॉक लगा था जब मुझे ये पता चला था कि तुम अपनी वॉइस को बदल सकते हो, पर जब मैं तुम्हारे साथ दौड़ रहा था और तुम्हारा सांस फूलने लगा तब तुम्हारा असल आवाज बाहर आया, और वैसे भी मैंने तुम्हारी इयर्स को देखा तब मुझे कन्फर्म हुआ। और ये सब सुन के 244 बहुत ज्यादा हैरान और बस सोचता है, फक, मुझे ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं था। वो सच में छोटे छोटे डिटेल्स को नोटिस करने में बहुत ज्यादा माहिर है। बांगुक गुस्से में कहता है, कौन हो असल में, तुम कौन हो बताओ मुझे। तुम्हारी टैटूस वो फेक है, तुम्हारी पर्सोना जो है वो भी पूरी तरह से बनाया हुआ है, यहाँ तक कि न्यूट्यूब वो तुम्हारा मेन जॉब नहीं है, यहाँ तक कि तुम्हारे साथ सियोन जुन का जो रिश्ता है वो भी थोड़ा सा अजीब है। जब मैं वहाँ पे था तब भी मुझे अजीब ही लगता था। क्या सच में वो तुम्हारा बॉस है या फिर और कुछ तुम दोनों के बीच चल रहा है? क्या है तुम दोनों का रिलेशन? पर वो कुछ और कहता तभी 244 कहता है, वांगुक, दैट्स नॉन ऑफ योर बिजनेस। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं और कुछ जानने के बारे में सोचता भी नहीं। देखो, तुम अभी यंग हो तो अपने काम से काम रखो, ये मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रहा हूँ। पर वांगुक तभी कहता है, नहीं, तुम गलत सोच रहे हो। अगर तुमने सोचा कि मुझे सिर्फ इतना ही पता है, नहीं, मुझे और भी बहुत कुछ पता है। ये सुनकर 244 बहुत ज़्यादा हैरान होता है। बांगुक कंटिन्यू करते हुए कहता है, मुझे पता है कि तुम कैसे कैसे बिजनेसेस चलाते हो, क्या क्या करते हो, सब कुछ। यहाँ तक कि मुझे किसी से मैसेज भी मिला था तुम्हें कॉल आउट करने के बारे में, पर जब मैं उससे मिलने गया देखा कि उसकी कोई अता पता ही नहीं है, पर बाद में पता चला कि वो कहीं बाहर पढ़ने के लिए गया है। 244, बताओ ये जो स्टूडियो जहाँ पे मैं काम करता हूँ ये भी तुम्हारी उन्हीं बिजनेस में से एक बिजनेस है ना? ये सुन के 244 बहुत ज़्यादा हैरान हो चुका है, उसकी तरफ देखने लगता है। बांगुक कंटिन्यू करता है और कहता है, देखो मैं एक अच्छा इंसान बिल्कुल नहीं हूँ, तो मुझे परवाह नहीं है जो तुम करते हो वो लीगल है या फिर इनलीगल है, पर एक चीज़ तुम्हें याद रखनी है, अगर तुमने रूमी के साथ कुछ भी गड़बड़ किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। वो बहुत ही गुस्से में कहता है, पर तभी 244 उसके कंधे पे इतना ज़्यादा प्रेशर देता है कि वो नीचे बैठ जाता है। उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो इतना स्ट्रांग कैसे हो सकता है, पर तभी 244 उसकी तरफ देखते हुए कहता है, तुम चाहते हो कि मैं उस बंदी के साथ कुछ गड़बड़ ना करूं, पर उसके साथ गड़बड़ तो तुमने ही पहले कर दिया है। हाउ शेम, क्या तुम्हारे अंदर कोई भी शेम नहीं है? क्या याद नहीं है तुम्हें कि तुमने उस लड़की की जिंदगी खराब कर दी थी और अब तुम उसे प्रोटेक्ट करना चाहते हो क्योंकि तुम उसे पसंद करते हो? तुम्हें क्या लगता है रूमी को यह सब जान के अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा जब उसे पता चलेगा कि तुम्हारे जैसा कोई बंदा उसे पसंद करता है। अपने फीलिंग्स को दूर रखो वांगुक और अपने काम पे ध्यान दो। तुम अपने काम पे ध्यान दो और मैं अपने काम पे ध्यान देता हूँ, बस इतना ही। बांगुक अपने कंधे से उसका हाथ हटा देता है। 244 कंटिन्यू करते हुए कहता है, लेट मी गिव यू अनदर एडवाइस, मेरे जो स्टूडियो के बंदे हैं उनसे भी थोड़ा सा दूर रहना क्योंकि अभी अभी उन्होंने सोसाइटी को ज्वाइन किया है। सीन शिफ्ट होता है, बाद में हम देखते हैं वांगुक रूमी का फोटो देख रहा था अपने कैमरे में, पर तभी वहाँ पे गिव आती है और उसे कहने लगती है, क्या कर रही हो तुम? वो डर जाता है, कुछ भी नहीं कहता। कुछ देर बाद जब रूमी देखती है वो सोचती है कि वांगुक फिर से उसे कॉल आउट करने के बारे में सोचता है, पर वांगुक उसे बेड पे जाने के लिए कहता है, पर वो मोबाइल पे गेम खेल रही थी, वो नहीं जाना चाहती। बांगुक अभी भी उसकी फोटो देख रहा था, पर तभी वो कहती है, तुम्हें शायद उसके बारे में भूल जाना चाहिए क्योंकि हम ही थे जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी ख़राब हो गई थी, और इसीलिए शायद मुझे लगता है कि हमारे बारे में सोच के भी उसे सफ़र होना पड़ता होगा, डर लगता होगा। ये सुन के वांगुक थोड़ा सा स्माइल करता है और कहता है, ओके, मैं उसे भूल जाऊँगा और अपने काम पे फोकस करूँगा। अगले दिन देखते हैं वो अपने काम पे फोकस कर रहा था, स्टूडियो के सारे सामान और सब कुछ ला रहा था। तभी स्टूडियो के वही बंदे यानी डोंग सियोक को देखते हैं। उसे बताया जाता है कि जल्दी फिल्मिंग स्टार्ट होने वाला है तो शायद उन्हें अब वांगुक को घर भेज देना चाहिए, पर वो बंदा भेजना नहीं चाहता, उल्टा वांगुक को बुलाता है और उससे पूछता है कितने दिनों के लिए वो यहाँ पे काम कर रहा है। उसकी बैकग्राउंड के बारे में उसे सब कुछ पता है और इसीलिए उसे ऐसे लड़के बहुत ज़्यादा पसंद है जो कि नए नए जेल से आए हैं, क्योंकि ये उसे उसकी पुरानी दिनों की याद दिलाता है।
कुछ देर बाद उसे सिगरेट देता है और उसे बात करते करते हम देखते हैं उसे और थोड़े से पैसों की लालच देता है। वांगुक पूछता है कि उसे क्या करना होगा, पर वो उसे अपनी बातों में बहकाने लगता है और कहता है, अगर मैं जो कहूँगा तुम वैसा करोगे तो मैं तुम्हें 10 मिलियन वॉन दूंगा। तुम्हारी सिस्टर को भी तो तुम्हें प्रोवाइड करना है ना? वांगुक कहता है, बिल्कुल मैं वही करूँगा, पर क्या तुम मुझे बताओगी कि मुझे क्या करना होगा? तभी देखते हैं वहाँ पे रूमी आती है। वो लोग रूमी को देखते ही चेंजिंग रूम में जाने के लिए कहते हैं। रूमी को देख के वांगुक को थोड़ा सा अजीब लगता है क्योंकि आज तो कोई शूट नहीं होने वाला था, पर उसके जाते ही हम देखते हैं डोंगसियो के एक ड्रेस दिखाता है जो देख के वांगुक बहुत ज्यादा हैरान होता है। चौंकते हुए वो कहता है, क्या रूमी वो इस बारे में मान गई? डोंगसियो कहता है, क्या उसको तो इस बारे में पता ही नहीं है। ये सब सुन के वांगुक कहता है, तुम लोग आखिर किस तरह की वीडियो शूट करते हो? ये सुन के वो बंदा कहता है, अगर मैं तुम्हें सही से बताऊँ, हम लोग इलीगल तरीके की एक्स रेटेड वीडियो बनाते हैं। आई एम सॉरी, अगर आप यहाँ पे बच्चे हो तो देख रहे हो तो ठीक है, क्या कर सकता हूँ, तो बोल सकते हो कि यहाँ पे वो लोग सेक्स क्राइम कमिटेड जो वीडियोस होते हैं वो बनाते हैं। ये सुन के वांगुक पूरी तरह से हैरान होता है, पर वो बंदा फिर से अपने बातों में उसे बहकाने लगता है। कहने लगता है, हमने सुना था उस तरह की वीडियोस के बारे में, पर हम उस तरह की वीडियोस यहाँ पे कोरिया में भी शूट करते हैं। पहले तो हम मॉडल्स को ट्रिक करते हैं, उनको बताते हैं कि अच्छे शूट होने वाले हैं, बाद में जब उन्हें लगता है कि सब कुछ लेजिट है तब हम उन्हें फोर्स करते हैं इस तरह की वीडियोस बनाने के लिए। ऐसे मेरी तरफ इस तरह से मत देखो, ये सब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं उस तरह की बंदा बिल्कुल नहीं हूँ। बॉस है जो इस बिजनेस को चलाता है, पता है तुम्हें, सच में उसके पास इंटरनेट के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज है, यहाँ तक कि उसके पास जो क्लाइंट्स है वो डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली दोनों तरफ का है। मुझे लगता है कि आज के लिए तुम्हारे लिए ये जानना काफी है। और विक्टिम्स के बारे में चिंता बिल्कुल मत करो, वो लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास जो लोग हैं, हमारे जो क्लाइंट्स हैं, वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल हैं। कोई भी अगर कुछ भी रिपोर्ट करने जाएगा सब कुछ हम जल्दी ही संभाल लेते हैं। पर अगर तुमने जाके किसी को कुछ भी कहने की कोशिश की तो आई प्रॉमिस कि इस पृथ्वी से तुम्हारा ये चेहरा पूरी तरह से गायब हो जाएगा। जाओ अब ये ड्रेस दे के आओ, पहले ये तुम्हें डिस्गस्टिंग लग सकता है वांगुक, पर बाद में यूज टू हो जाओगे जैसे कि हम लोग हुए हैं। कुछ देर बाद हम वांगुक को देखते हैं, वो रूमी के पास जाता है। रूमी उसे देख के चौंकता है, हैरान होते हुए कहता है, वांगुक क्या है ये? तभी सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ, डोंगसियो को देखते हैं। वो सारे लोग अब बाहर से बातें करने लगते हैं, शायद वो लोग पहली बार इतनी यंग किसी लड़की का फोटोशूट या फिर वीडियो शूट करने वाले हैं। उनको क्या अनइजी फील हो रहा है? बिल्कुल नहीं। पर तभी डोंगसियो पीछे देखता है और चौंकता है क्योंकि वहां पे वांगुक था। वो उससे पूछता भी है, क्या तुमने ड्रेस उसे दे दिया है? क्या उसने मना किया? बताओ क्या क्या कह रही थी वो, या फिर तुमने उसे वो पहनाने में मदद की है? बताओ। पर वांगुक को देखते हैं वो थोड़ा सा स्माइल करता है और कहता है, ये सब ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। तभी हमें थोड़ा सा पास्ट की सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो रूमी को अपना फोन देता है, एयरफोन देता है और एक गाना सुनने के लिए कहता है। रूमी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, पर वांगुक अपना हेडफोन उसके कान में देते हुए कहता है, ये वो गाना है जिसे कि मैं बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम इस गाने को 5 नहीं 10 बार सुनो। रूमी को अब भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पर तभी सीन प्रेजेंट में आता है, हम वांगुक और उन सारे लोगों को आमने सामने देखते हैं। डोंगसियो गुस्से में कहता है, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? वांगुक हंसता है और कहता है, मैं कोशिश कर रहा था उसे भूलने की, पर उसका स्माइल इतना खूबसूरत है कि मैं भूल ही नहीं पा रहा हूँ। पर दूसरी तरफ डोंगसियो का बहुत गुस्सा कर रहा है और कहता है, लिसन अप पंक, तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। पर वांगुक कहता है, बिल्कुल पता है, यू आर अ फकिंग गैंगस्टर। डोंगसियो कहता है, वांगुक तुम्हारी हालत खराब हो जाएगा अगर बॉस को इस सब के बारे में पता चल जाएगा। तो मैं ये सब तुम्हें इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी चिंता है, तो अभी भी समय है, चले जाओ, मैं सब कुछ भूल जाऊंगा कि ये सब कुछ हुआ था, मैं बोल दूंगा कि वो चला गया था। पर वांगुक कहता है, शायद गाना अब तक शुरू हो चुका है, और मन में सोचता है, मैं कभी भी रिग्रेट नहीं करूंगा अगर अपने लोगों के लिए मुझे खड़ा होना पड़ा तो। सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ, हम देखते हैं रूमी अभी भी वो गाना सुन रही है, पर उसे अब भी समझ में नहीं आ रहा था क्यों वांगुक उसे ये गाना सुनने के लिए कह रहा था, पर ये गाना उसे पसंद तो बिल्कुल आ रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वांगुक अब एक एक करके सारे बंदों को मारता जा रहा है और मन में सोचता जा रहा है, मुझे परवाह नहीं है कि मैं एक बुद्धू हूँ या फिर नहीं, या फिर एक डम्बेस हूँ या फिर नहीं, मुझे परवाह नहीं है कि उसे पता चले कि नहीं कि मैंने उसके लिए क्या किया है। हम कुछ देर बाद देखते हैं वो उनमें से कई सारे बंदों को ढेर कर चुका है और सोचता है, मैं ये सब इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे रिकॉग्निशन चाहिए। पर तभी देखते हैं
उनमें से डॉन सियोक थोड़ा सा आगे आता है और कहता है, अच्छा तो ये बॉय हीट कर सकता है। तुमने क्या कहा था, तुम सुंगुई बॉक्सिंग टीम में थे ना? बांगुक तभी पंच करने के लिए आगे आता है, पर तभी कोई आके उसे पंच करता है और कहता है, क्या लगता है तुम्हें लोग तुम्हें इसके लिए थैंक यू कहेंगे? उसकी एक पंच की वजह से बांगुक को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और सोचता है, क्या वो एक बॉक्सर है? डॉन सियोक को देखते हैं, वो कहता है, बहुत अच्छा है किसी ऐसे से मिलना जो कि अपने ही टीम से हो। तभी हमें उसके बारे में थोड़ा सा बताया जाता है। डॉन सियोक वो फॉर्मर मेंबर ऑफ द चोंगुई बॉक्सिंग टीम। पास्ट की सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं शायद मुकाबला जीतने के बाद वांगुक बैठा हुआ है। तभी उसका कोच आके कहता है, हे टफ गाई, कांग्रेट्स तुम्हारी ट्रॉफी जीतने की वजह से। पता है तुम्हें बहुत दिन बाद एक ट्रॉफी हमारे यहाँ पे आया है। वांगुक कहता है, इतने सारे ट्रॉफीज यहाँ पे तो लोगों ने जीते हैं। पर वो बंदा कहता है, ओ तुम इन सारे ट्रॉफीज के बारे में बात कर रहे हो? नहीं, ये सारे ट्रॉफी सिर्फ एक ही बंदे ने जीता है। ये सुन के वांगुक तब बहुत ज्यादा चौंकता है और तभी उसका कोच बताता है, वांगुक क्या तुम्हें पता है मैं तुम्हें टफ गाई क्यों कहता हूँ, न कि एक जीनियस? क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक जीनियस है, वो अभी यहाँ पे नहीं है क्योंकि उसे रिलीज कर दिया गया है। शायद अभी वो बाहर की दुनिया में एक गैंगस्टर की काम कर रहा होगा। और तभी वांगुक को एक वार्निंग देता है जो कि उसे याद रखने के लिए कहता है। कहता है कि वांगुक एक चीज तुम्हें हमेशा याद रखना है, बाहर की दुनिया में जाने के बाद एक बॉक्सर होगा जिससे तुम्हें कभी भी फाइट नहीं करनी है, वो और कोई नहीं डॉन सियोक है। मतलब वो जिस फाइटर जिस बॉक्सर के बारे में बात कर रहा था वो और कोई नहीं बल्कि डॉन सियोक है। और हम ऐसा ही देखते हैं वांगुक उसके ऊपर एक के बाद एक पंचेस करे जा रहा है, पर वो बंदा आसानी से उसके हर एक पंचेस को डॉज करे जा रहा है और कहता है, वांगुक वैसे कोच वो कैसे है? और तभी उसके पेट पे एक बहुत खतरनाक पंच मारता है। चुंगुई बॉक्सिंग टीम में वो एक ऐसा बंदा था जो कि 11 टाइम्स अपने टाइटल को डिफेंड किया है, मतलब अपने ट्रॉफी को जीता है। उस टीम का सबसे सबसे ज्यादा हार्ड पंचर अगर कोई था वो था वो ही। ऐसा ही देखते उसके एक पंच की वजह से वांगुक की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। वांगुक को वो बंदा आसानी से मारे जा रहा है, बहुत खतरनाक तरीके से मारे जा रहा है। तभी वांगुक का खून निकल आता है। दूसरे बंदे उसे देख के हंसने लगते हैं। वांगुक को हम नीचे देखते हैं। डॉन सियोक हंसते हुए कहता है, सॉरी वांगुक, शायद वो लोग मेरी वजह से तुम्हें प्रोडेजी तुम्हें जेनियस नहीं कहते हैं। वांगुक नीचे बैठा हुआ है, पर तभी हम देखते हैं वांगुक हॉबिन का जो मूव था जो कि उसने उसे मारा था वो मूव उसके ऊपर करता है और उसके फीट पे बहुत जोरदार एक एल्बो से मारता है जिससे उस बंदे की हालत बहुत बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। वांगुक कंटिन्यू करते हुए कहता है, क्या तुम्हें पता है कोच मुझे टफ गाय क्यों कहते हैं, ना कि एक प्रोडेजी? मैंने बॉक्सिंग सीखी सर्वाइव करने के लिए, क्योंकि चाहे तुम मुझे कितने भी मार लो कितने भी कुछ कर लो पर मैं तब भी तुम्हारे खिलाफ खड़ा होऊंगा और तुमसे फाइट करूंगा। डॉन सियोक को देखते हैं उसके पैरों में दर्द हो रहा है, पर तभी गुस्से में वो कहता है, तुम्हारी हालत खराब होने वाला है। पर वो दोनों लड़ते तभी देखते हैं वहां पे और कोई नहीं बल्कि 244 आता है और वांगुक की तरफ देखते हुए कहता है, क्यों वांगुक, क्यों आखिर तुमने ऐसा किया? मैंने तो तुम्हें कहा था अपनी काम करने के लिए, फिर मेरी बात तुमने क्यों नहीं सुना? क्यों पता नहीं आजकल सभी अपने लाइन क्रॉस कर रहे हैं। वो बहुत ही गुस्से में उसकी तरफ देखने लगते हैं। 10 बार उसी गाने को सुनने के बाद हम देखते हैं रूमी बाहर आती है और गेट खुलते ही वो सामने देखते चौंकती है क्योंकि सामने कोई भी नहीं था। उसे पहले तो ये प्रैंक लगता है, पर उसके हाथ में वांगुक का मोबाइल, अब वो इस मोबाइल का क्या करेगी वो समझ नहीं पा रही है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम हॉबिन और भूमि को देखते हैं। वो दोनों बात करते करते आगे जा रहे थे, अभी अभी उन्होंने खाना खाया है पर उन्होंने डेजर्ट नहीं खाया था इसीलिए डेजर्ट खाने के लिए वो एक जगह रुकते हैं। भूमि कहती है उसके स्कूल में सारे जो टीम्स होते हैं सारे जो लड़के लड़कियां होते हैं वो इसी जगह के बारे में बात करते हैं। कुछ देर बाद हम देखते हैं सीढ़ी से वो दोनों ऊपर जाने लगते हैं। हॉबिन कहने लगता है, पता नहीं मुझे तो थोड़ा अजीब लग रहा है ये सारा जगह इतना पॉपुलर आखिर क्यों है। भूमि भी कहती है, पता नहीं मुझे भी, मेरे स्कूल में सारे बच्चे इसके बारे में ही बात करते हैं। हॉबिन ऊपर देखता है और कहता है, रियली? पर नीचे से जो उसे दिखता है, डैम मैन। तभी देखते हैं, ये देखने के बाद वो अपने आप को ही चाटा मारता है। भूमि जब पूछती है, ये क्या था हॉबिन, वो कहता है, ये और कुछ नहीं बल्कि अपने आप को सेंस में लाने की नीचा टेक्निक है। और मन में सोचता है, मैंने अभी अभी सीखा कि हर वक्त मर्दों को पहले ऊपर जाना चाहिए। कुछ देर बाद हम देखते हैं एक आदमी उन्हें रिसीव करता है और उन्हें एक बहुत ही अच्छा सा कैफे रूम टाइप दिखाता है जो कि उन्हें 2 घंटे के लिए मिल रहा है। अगर स्नैक्स और ड्रिंक चाहिए वो हॉलवे में मिल जाएगा। अब इन्हें जगह देख के बहुत ज्यादा इंप्रेस होता है और सोचता है,
अब मुझे समझ में आ रहा है कि लोगों को ये सारा जगह इतना पसंद क्यों है। इन सारे जगह में तुम अपने दोस्तों के साथ कंफर्टेबली बैठ के बातें कर सकते हो। वो दोनों अपने अपने जो ऊपर के ड्रेसेस होते हैं, कोट्स होते हैं, वो उतारने लगते हैं। रॉबिन कहता है, भूमि देखो वहाँ पे टीवी भी है, सो इसीलिए लोग रूम कैफेस में आते हैं। और तभी वो दीवार पे देखते हुए कहता है, देखो जैसे कि ये सारी दीवारें बातें कर रहा है। दोस्तों थोड़ा सा वार्निंग दे दूं, यहाँ पे थोड़ा सा एडल्ट चीजें आने वाला है, 2-3 मिनट के लिए आप स्किप कर सकते हो। भूमि यह सुन के कहती है, रियली क्या बातें कर रहा है दीवार, जाके सुनो। तभी रॉबिन दीवार पे जाके कान लगाता है और उसमें से आवाज आता है, बेबे टच मी, कम ऑन प्लीज, हमें ये सब नहीं करना चाहिए, हम लोग अभी अभी डेटिंग कर रहे हैं। हॉबिन ये सुन के बहुत ज्यादा हैरान हो चुका है। भूमि तभी स्नैक्स लेने के लिए बाहर जाती है। हॉबिन सोचता है, मुझे पता नहीं था रूम कैफेस में लोग इसलिए आते हैं। तभी हमें रूम कैफेस की बाहर से थोड़ा सा दिखाया जाता है, जहाँ पे सिर्फ लड़के और लड़कियों का शूज है और सारे रूम्स में से बस आवाजें आने लगता है, किस के, स्मूस के, मतलब जो कुछ भी होता है आप जानते हो। ओके, हॉबिन बस इतना ही सोचता है, मुझे नहीं पता था लोग रूम कैफेस में इसीलिए आते हैं। वो अपना पाल पकड़ लेता है और सोचता है कि भूमि को वो यहाँ पे लेके आया है। नहीं, शायद वो इतना भी मॉडर्न नहीं है, क्योंकि भूमि को इस बारे में पता था। पर जब वो भूमि की तरफ देखता है, भूमि भी कांप रही थी, क्योंकि अब शायद उसे भी पता चल चुका है ये किस तरह का जगह है। वो स्नैक्स लाते लाते गिरा देती है, उसकी बॉडी भी कांप रहा है, वो भी ब्लशिंग कर रही है और कहती है, हॉबिन मैं तुम्हारे लिए स्नैक्स लाई हूँ। हॉबिन उसे देख के समझ जाता है कि उसे भी कुछ नहीं पता है। पर कुछ देर बाद हम देखते हैं वो दोनों एक जगह बैठे हुए हैं और वो सोचता है ये बहुत ज्यादा ऑकवर्ड है। उसकी तरफ देखते हुए कहता है, रूम कैफेस बहुत ज्यादा बोरिंग है। मन में सोचता है कि शायद उसे चला जाना चाहिए, पर भूमि की शैम्पू की स्मेल तो उसे बहुत अच्छा लग रहा है। भूमि भी अपना आँख चुराते हुए कहती है, हाँ बिल्कुल, शायद वो लोग आइसक्रीम खा रहे होंगे या फिर कुछ और। आइसक्रीम तो बिल्कुल नहीं, कुछ और तो हो गई। ओके सॉरी, अगर आपको ये एडल्ट थिंग पसंद नहीं आ रहा है तो मुझे बता देना, नेक्स्ट टाइम से मैं ये कम कर दूंगा। ओके, वो भूमि की तरफ देखता है और सोचता है, भूमि वो क्यों जाने के लिए नहीं सोच रही है और ऐसे मेरे होप्स को आप क्यों करे जा रही है। भूमि कहती है, बाय द वे रॉबिन, तुमने जो पहले मुझसे सवाल पूछा था बताओ क्या था वो, और तब तुमने वो क्यों मुझसे पूछा था। हॉबिन कहता है, मैं सोच रहा था कि तुम जस्ट मेरे ऊपर लीडिंग कर रही हो, मतलब तुम मुझे झूठी होप्स दे रही हो। ये सुन के भूमि कहते हैं, लीडिंग ऑन यू। दोनों की हालत बहुत ज्यादा खराब है, क्योंकि ये ऑकवर्डनेस, दोनों को ये सब बिल्कुल पता नहीं था। तभी हॉबिन जंप करते हुए उठता है और कहता है, चलो भूमि टीवी देखते हैं, एक्चुअली मैं तुमसे मिला क्योंकि मुझे टीवी देखना था। क्या बातें कर रहा था। भूमि भी कहता है चिल्ला के, नो वे, बिल्कुल मुझे भी टीवी देखना था। पर तभी हॉबिन टीवी चालू करने जाता है, पैर फिसल के वो और कहीं नहीं बल्कि भूमि के ऊपर गिरता है और कहता है, मैं ऐसे लैंड कैसे कर सकता हूँ, मैंने ये पर्पसली नहीं किया है भूमि, मैं अपने यूट्यूब अकाउंट का स्वेयर करता हूँ। तभी भूमि कहता है, मुझे पता है ये फ्लोर बहुत ज्यादा स्लिपरी है। रॉबिन तभी कहता है, पर तुम अभी तक इस जगह से हटी क्यों नहीं हो। भूमि कहती है, ओ क्योंकि मैं तुम्हें झूठी होप्स नहीं दे रही हूँ हॉबिन। ये सुन के हॉबिन बहुत ज्यादा हैरान होता है, तो फिर अब आगे क्या होगा, क्या इन दोनों के बीच कुछ होने वाला है। और अगर दूसरी बात करें, रूमी का आखिर क्या होगा, बंगू का आखिर क्या होगा, सब कुछ अगर जानना है तो इसके बाद के एपिसोड के लिए सब्सक्राइब कर दो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो। थैंक यू सो मच।